वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। पीबीआर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम गांव में हैं और यहां पर सारी दुनिया लगभग सो गई है, लेकिन रात की 11:40 पर इस वीडियो को हम क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि आपको अगले दिन दिखाया जा सके। कुछ कुत्ते बोल रहे हैं बगल में, कुछ मोर झाँक रहे हैं। चलिए इन्हीं के बीच हम आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाते हैं। ध्यान से देखना, इस वीडियो को पूरा देखना। देखिए, जो भारत का संविधान है यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो भी वर्णन किया गया है, जो भी उसमें जोड़ा गया है, वह किसी न किसी की देखा देखी नकल करके जोड़ा गया है और आपके परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। जैसे भारत के संविधान में संसदनात्मक शासन पद्धति, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय विशेष अधिकार, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से चुराया गया है या फिर ऐसे बोलें कॉपी किया गया है। चलिए देखिए शुरू से। भारतीय संविधान के अंतर्गत विश्व के अनेक देशों की संवैधानिक विशेषताओं को समाहित किया गया है, जिनका वर्णन निम्न प्रकार है, जिसमें से पहला देश आता है सबसे पहले ब्रिटेन। ब्रिटेन देश से जो लिया गया है या फिर कॉपी किया गया है, वो भारत के संविधान में संसदनात्मक शासन पद्धति यानी कि सांसदों का जो है वो शासन होगा, या फिर जो भारत का संविधान है वो शासन के माध्यम से संशोधित किया जाएगा, और सॉरी संसद के माध्यम से। विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय विशेष अधिकार व सांसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया, ये सब ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा जो दादा देश है, हम जिसे बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघवाद, राष्ट्रपति पर महायोग चलाए जाने के साथ साथ और भी बहुत सारा महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो अमेरिका के संविधान से लिया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति और वित्तीय आपात ये सभी शामिल हैं। तो याद रखना और कभी मत भूलना कि ये सारे मटेरियल जो हैं अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आपसे किसी परीक्षा में अगर पूछ लेता है तो आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा जो आयरलैंड के संविधान से कुछ बातों को लिया गया है, उनमें नीति निदेशक था तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मानोनय। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, उसमें है संविधान की प्रस्तावना, भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान। पश्चिमी जर्मनी के संविधान से भी कुछ लिया गया, जिसमें है आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। और बाकी है आपका जो अगला देश है वो कनाडा। कनाडा के संविधान से संघीय शासन व्यवस्था को लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को, मतलब जो अवशिष्ट शक्तियाँ किसको मिलेंगी, केंद्र को मिलेंगी। दक्षिण अफ्रीका संविधान से जो है वो लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। रूस के संविधान से भी मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि सिद्धांतों का प्रावधान, जिसके आधार पर भारत का उच्चतम व उच्च न्यायालय कार्य करता है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्र की व्यवस्था को लिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इन सारी बातों को समझ गए होंगे। क्लास तो बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी जानकारियाँ आपको बहुत अच्छे से बताया गया है। आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, ये हमें कहने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा बाबू, जिससे कि आपको सारी क्लासें मिल सकें। चलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप कमेंट करके पूछिए, तुरंत पूछिए, फटाफट, और लाइक करिए, सब्सक्राइब अवश्य।